मलिंगा और मलिंगा ने थोड़ी सी लेग की ऊपर खेल दिया है, गेंद चली जाएगी सीधे फैलनेक्सी मारेगा के बाहर चार रनों के लिए, और इसी चौके के सहारे फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 189 रन 9 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी देखी थी गेंद, थोड़ी सी शॉट जिसको फ्लिक कर दिया, गेंद चली गई फैलनेक्सी मारा के बाहर दंदनाते हुए चार रनों के लिए। इसलिए कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। जी हाँ सही कहा। चले फिर से और फिर से उस गेंद को काफी लंबा ऊंचा उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद चली गई अंपायर के इशारा के इंतजार, गेंद चली गई सीधा सिमर होने के लिए, और इसी छक्के के साथ अपना 50 रन पूरा करता हुआ जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर चंदन का। 7 छक्के 1 चौके लगाकर 53 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर 29 गेंदों पर। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मारे टीम का 195 रन 9 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी। चले फिर से अजय अपने आप मार्ग पर फिर से काफी लंबा ऊंचा उठा दिया है वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, गेंद चली जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 199 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अजय मलिंगा दर्शक वहीं पर पेश मौजूद कर चलते हुए अजय मलिंगा की गेंद और फिर से अच्छी गेंद और तौर से फिर से मिस बैटिंग और गेंद चली गई दंदनाते हुए बाइक के रूप में आता हुआ ये शायद चार रन के लिए, और इसी के साथ जोरदार ताली से स्वागत करेंगे 200 रनों का बड़ा पार करते हुए यहां पर हमारे टीम का 203 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है अभी तक। स्कोरर है मिस्टर मोबाइल का कार्यभार देख रहे हैं मौसम इमरान और दूसरे मिस्टर फैयाज चंदमलिंगा, सामने मिस्टर चंदन बार को पार करते हुए गेंद और फिर से इस गेंद को खेल दिया वहां पर फील्डर ये मौत दे दीजिए, गेंद तब तक अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, एक रन तब तक लेने से रोक नहीं पाएंगे यहां पर। इसी एक रनों के सहारे मराठी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 204 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अजय मलिंगा चले अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर मलिंगा धैनिया से पार का पार करते हुए अरमान के लिए गेंद और हलके हाथों से वही दबा भर दिया बिना किसी रन के 19 बाद मारे टीम का 204 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक है वो थोड़ा रेडी रहेंगे फिर से चले और बबलू की पहली गेंद ऑफसाइड से थोड़ी सी बाहर खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं सीधे चली गई कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। क्या गजब की वापसी करते हुए यहां पर मारे टीम के, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 150 तक नहीं जाएगी, लेकिन चले फिर से बबलू ओवर बीत गए तो उसको उठा दिया, गेंद चली जाएगी फिर से बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी छक्के के सहारे फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 210 रन 9 विकेट के नुकसान पर। चंदन जो मारे टीम के उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं अन्यथा कोई भी ऐसे बल्लेबाज। चले फिर से बबलू डायना से पार को पार करते हुए गेंद और फिर से उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के बाहर, देखने अंपायर का इशारा के इंतजार, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर दंदनाते हुए चार रनों के लिए। ये बीएसएनएल चौका मारे, क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मिस्टर, और इसी 35 गेंदों पर 68 रन बनाकर खेल रहे हैं चंदन, 3 चौके और 8 गगनचुंबी लंबे छक्के लगाकर। चले फिर से बबलू काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं, चले बर्ग बर्ग कर दिया और फिर से फुल टच गेंद और खेल दिया, गेंद चली जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी छक्के के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर मारे टीम का 220 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों अपनी गांठ की फेदी बंद रखें, मौसम बिगड़ने वाला है। चल फिर से बबलू और अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं सीधे चली गई कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। अभी भी लास्ट गेंद मौजूद, 18 गेंदों पर 43 रनों का पार्टनरशिप अरमान और चंदन के बीच। चले फिर से
बबलू की गेंद लॉग ऑफ के ऊपर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद रुकेगी या नहीं है देखने की बातों की, गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के साथ 20 ओवर की समाप्ति के बाद मारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 224 और बासो पट्टी के सामने 225 रनों का लक्ष्य रखा। 19 गेंदों पर 47 रनों का पार्टनरशिप, काबिले तारीफ कही जा सकती है लास्ट जोड़ी के लिए। और वहीं पर बासो पट्टी को अगर यह मैच जीतना है तो 125 रन बनाने होंगे, इसलिए कहा जाता है लेता नहीं है इसलिए यहाँ रख नहीं पाते, कई बार ग्लव्स लेता नहीं है। पिछले डीपीएल के विजेता, डीपीएल 2023 का विजेता था मधुबनी, आज डीपीएल 24 का विजेता बनने के लिए मारर और बासोपट्टी संघर्ष कर रहे हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचता है, कौन बनता है चैंपियन डीपीएल 2024 का। 2023 का मधुबनी जरूर बना था पिछले साल, इस बार देखते 2024 का डीपीएल का विजेता यानी चैंपियन कौन बनता है। पिछले बार नेपाल का एक टीम था जनकपुर, लेकिन वो सेमीफाइनल में हार चुके थे। इस बार नेपाल के हैं मारर के, वो फाइनल में जरूर प्रवेश किए हैं। सीसी दिल से शुक्रिया अदा करता है, रजा मोहल्ला देवधा, रकीबा मोबाइल बड़ी मस्जिद देवधा, नूरी गैरेज ईदगाह चौक देवधा, जासमिन कंप्यूटर शंकर चौक देवधा, न्यू मैक्स हॉस्पिटल जयनगर, अब्दुल्ला सैलून मदनी कम्प्लेक्स देवधा, राम जानकी स्वर्ण कार शंकर चौक देवधा, डॉक्टर अमानुल्ला साहब सूरज जहां कहीं भी हो।